एगलेस ट्रफल केक बनाने के लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर, शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, विनेगर, कर्ड, मिल्क, ऑयल, सॉल्ट और चॉकलेट एसेंस। केक में इस टिन में बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने इसमें बटर पेपर लगा लिया है। आज मैं इस केक को माइक्रोवेव में बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने माइक्रोवेव को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। सबसे पहले केक स्पंज बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है। अब इसमें डालेंगे दही और इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। शुगर मैंने घर पर ही पाउडर करके लिया है। इस केक के बैटर को बनाने के लिए अगर आपके पास विस्कर है तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। आज मैं इस केक के बैटर को हैंड मिक्सर से बना रही हूँ। और अब हम दही और पाउडर शुगर के साथ ऑयल को भी डाल देंगे और अब इन तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर में शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जानी चाहिए। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो, इसीलिए हमने यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया है। शुगर मेल्ट हो गई है और ये मिक्सचर भी बनकर तैयार है। अब इस वेट इंग्रेडिएंट्स में हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। इसके लिए एक छन्नी लेंगे और उसमें डालेंगे ऑल पर्पस फ्लावर, कोका पाउडर, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। मैंने यहाँ पर नमक को भी बेकिंग पाउडर के साथ में मिला लिया है। अब इन सबको अच्छी तरह से छान लेंगे। एक बार इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। अब मैं इन सबको हैंड ब्लेंडर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस बैटर में दूध को भी डालेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रहे, केक के बैटर बनाते वक्त केक के बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और केक के बैटर को हमें स्मूथ बनाकर तैयार करना है, यानी कि इसमें किसी भी तरह की लम्प्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसके बदले में लेमन जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जितना विनेगर ले रहे हैं उतना ही आप लेमन जूस ले लें। लेमन जूस या विनेगर को डालने के बाद इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अब इस केक बैटर को केक टिन में डालेंगे और बेक होने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर 180 डिग्री पर 35 मिनट्स के लिए इस केक को बेक होने के लिए रख रही हूँ। आप अपने ओवन के हिसाब से टाइमिंग को सेट कर ले और इस केक को बेक कर ले। मैंने केक को ओवन से निकाल लिया है। आप देख सकते हैं केक अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अब केक के लिए गनाश बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए डार्क चॉकलेट कंपाउंड और अमूल फ्रेश क्रीम। आप अमूल फ्रेश क्रीम के जगह पर अमूल व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने फ्रेश क्रीम को माइक्रोवेव में 10 सेकेंड के लिए गर्म कर लिया है। अब इस गर्म फ्रेश क्रीम में हम डालेंगे कटे हुए डार्क चॉकलेट और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट होने लगी है और ये देखिए गनाश बनकर तैयार हो गई है। केक यहाँ पर ठंडी हो गई है। अब इसे इस टिन से हम निकाल लेंगे। केक को मैंने यहाँ पर 3 पार्ट्स में कट कर लिया है। आप देख सकते हैं केक कितनी स्पंजी बनी है। आप इसे 2 पार्ट्स में भी कट करके बना सकते हैं। अब केक के एक पार्ट को इस तरह से रख लेंगे और उसे शुगर सिरप से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे। ऐसे करने से केक मॉइस्ट बनेगी और जब आप इस केक को खाएंगे तो आपको ये ड्राई नहीं लगेगी और ये केक बिल्कुल बेकरी जैसी बनेगी। शुगर सिरप हमने यहाँ पर अच्छी तरह से डाल दिया है। अब हम इस पर डालेंगे गनाश। गनाश आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। गनाश को अच्छी तरह इस तरह से स्प्रेड कर ले। केक पर गनाश को हमने अच्छी तरह से स्प्रेड कर लिया है। अब हम केक के दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रख देंगे और अब उसे भी शुगर सिरप से अच्छी तरह से गीला कर लेंगे और गनाश को भी उसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। और अब केक के तीसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रख देंगे और केक को चारों तरफ से गनाश से कवर कर देंगे और केक को गनाश से एक अच्छी फिनिशिंग देंगे। अब इस केक को डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पर चॉकलेट गार्निशिंग का इस्तेमाल किया है। इस चॉकलेट गार्निशिंग को मैंने घर पर बनाया है
और इस चॉकलेट गार्निशिंग की रेसिपी को बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चॉकलेट ट्रफल केक की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।